हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हैं आप लोग। गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ बनारस की बहुत फेमस रेसिपी कुल्हड़ चाट। कुल्हड़ टमाटर चाट कैसे बनाया जाता है, हलवाई लोग कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को पूरा सीक्रेट तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसके बाद अपनी हम कुल्हड़ चाट की रेसिपी। तो पहले स्टेप में यहाँ पे हम आलू की गोल गोली छोटी छोटी लोई बना लेंगे, उसको ऑयल में फ्राई करना होगा, तेल में लाल करना होगा उसको अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने लोई वगैरह डाल दी है, काफ़ी लोई निकाल भी चुका हूँ और आधी बची हुई है, तो लगभग की देखिए 4 से 5 मिनट में बेहतरीन हमारी जो है टिकिया गोल गोल जो हमने गोली गोली लोई बना ली थी आलू की वो लाल हो गई जाएगी। तो लगभग यहाँ मैं 300 आदमी का कुल्हड़ चाट बना रहा हूँ। तो परफेक्ट परफेक्ट हमारी जो है आलू की लोई पक चुकी है, अब उसको तेल से बाहर कर लेंगे। और इसके बाद इसको अब हम लोग फिर से घन डाल देंगे टिकिया। अब चाहिए नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं कढ़ाई पे, यहाँ पे डालेंगे हम लोग रिफाइंड ऑयल। कड़वे तेल का नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग देसी घी का तड़का देंगे आगे चल के तवा पे स्टॉल पे। जीरा डालेंगे, लगभग की आधा किलो प्याज चॉप करी हुई है इसको डालेंगे, 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। और इसके बाद इसमें अब हम लोग डालेंगे अदरक का पेस्ट, पिसी हुई अदरक का पेस्ट। 3 से 4 मिनट में जब ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद इसमें हम लोग अब डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे लगभग 5 किलो टमाटर महीन महीन कटवा लिया था, बारीक बारीक, ज़्यादा बारीक भी नहीं, थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े में कटवाना है। आज का फ्लेम एकदम हाई रखेंगे, इसको अच्छी तरीके से टमाटर को अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे दमालू मसाला, यहाँ पे हम लोग डाल लें थोड़ा सा मीट मसाला पानी में घोल कर। अब 1 मिनट इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे मसालों के साथ टमाटर को। और इसके बाद जो हमने आलू की गोली गोली लोइयों को फ्राई किया था उसको इसमें डाल देंगे। और आलू की लोइयों को अच्छी तरीके से अब जो है मैश कर देंगे इसी में। अच्छी तरीके से मैश करेंगे मिक्स करके। दो से तीन मिनट में बेहतरीन तरीके से देखिए हमारे मैश हो जाएगा आराम से, भुजाई करते हुए इसको मैश करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा सूंधापन आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे डालेंगे जीरा जल। तो यहाँ पे गाइस अगर आपके पास जीरा जल ना हो तो कच्चे पानी का इस्तेमाल ना करिएगा, पानी उबाल कर डालिएगा इसमें, क्योंकि कच्चा पानी डालते हैं तो इसमें कच्चापन आ जाता है। पानी उबाल कर डाल लीजिएगा अगर जीरा जल नहीं है तो। यहाँ पे मैं दो मग से जीरा जल डाल रहा हूँ। इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे उबाली हुई मटर लगभग की 1 किलो। और इसके बाद इसमें अब हम लोग में डालना होगा नमक, तो स्वाद अनुसार नमक डालिएगा।
काला नमक, यहाँ पे मैंने डाल रहा हूँ मिर्च एक चम्मच, दमालू मसाला और डाल रहे हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं रेड फूड कलर डाल रहा हूँ थोड़ा सा एट्रैक्टिव दिखने के लिए, कलर को रंग पानी में घोल कर डाल रहा हूँ कि अच्छे तरीके से मिल जाए। इससे क्या होगा कि काफ़ी एट्रैक्टिव दिखेगा देखने में और बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा कलर डाल देते हैं। तो देखिए गाइस, परफेक्ट हमारा टमाटर रेडी हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं स्टॉल पे, यहाँ पे देसी घी का तवे पे जो है तड़का मार रहा हूँ। देसी घी डालने के बाद इसमें अब हम लोग डालेंगे जो हमने टमाटर बनाया हुआ था, बनारस का फेमस कुल्लर टमाटर, इसको ऐड करेंगे और लगभग एक मिनट तक अच्छी तरीके से तवे पे इसको भुजाई करेंगे और अच्छे तरीके से और टेस्टी बनाने के लिए। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से भुजाई कर देंगे एक मिनट तक अच्छे तरीके से करते हुए। और इसके बाद इसमें हम लोग को डालना होगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे यहाँ पे। ब्लैक पेपर का क्या होता है गाइस कि बहुत बेहतरीन टेस्ट होता है, ये तीखापन जुबान पर पकड़ के चलता है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ब्लैक पेपर डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जीरा जल डाल देते हैं। थोड़ा सा थिक ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा टाइट ज़्यादा लग रहा है, तो जीरा जल ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे जीरा जल को, और इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे अब डेकोरेशन के लिए धनिया, चारों तरफ अच्छी तरीके से धनिया फैला देंगे। इसके बाद इसमें हम लोग को डालना होगा पनीर, अच्छे तरीके से सब जगह पनीर फैला देंगे। अच्छे तरीके से चारों तरफ फैलाने के बाद इसमें अब हम लोग को डालना होगा, थोड़ा सा ऑप्शनल है, थोड़ा सा आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे इसमें काजू, और काजू डालने के बाद इसमें अच्छे तरीके से चारों तरफ फैलाएंगे। और इसके बाद गाइस मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ कि कैसे जो है एकदम बेहतरीन स्टॉल सजाया हुआ है मैंने कुल्हड़ चाट का। तो अब इसको निकालते हैं जो है, आप लोगों को कैसे मैं दिखला देता हूँ कैसे खिलाया जाता है, कैसे सर्व किया जाता है, आप लोगों को एकदम परफेक्ट तरीका मैं बताता हूँ। कुल्हड़ में टमाटर को भर लेंगे, तो यहाँ पे मैं चार पीस कुल्हड़ टमाटर दिखला देता हूँ कि कैसे किया जाता है, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जब गेस्ट आ जाएंगे तो मैं खाली नहीं हो पाएंगे, इसलिए अभी सूट करके दिखला दे रहा हूँ। यह ये खट्टी चटनी है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खट्टी चटनी डालेंगे आधे आधे चम्मच से। ये हमारी मीठी चटनी है, इमली वाली और गुड़ वाली, ये मीठी चटनी है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डालेंगे दही, और गाइस दही वेरी इंपॉर्टेंट है, दही तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम लोग डालेंगे महीन वाली सेव, नमकीन, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए ऊपर से धनिया डालते हैं, धनिया का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो गाइस आप लोगों को मेरी ये कुल्हड़ टमाटर चाट